श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जन्माद्यश्च यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो बारि प्रदाम यथा विनिमयो यत्र त्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यं परम धीमहि। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, साथ ही साथ बताया गया कि भगवान को सत्यम परम धीमहि परम सत्य कहा है। महात्म के पहले श्लोक में भी व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपा। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप, सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत मतलब जो सत्य है, और यहां पर भी क्या कह दिया गया, सत्यम परम धीमहि। महात्म के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक और पहले श्लोक का पहला शब्द सत, सत मतलब सत्य, जो सत्य है। और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है, उन भगवान को हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में धर्म की परिभाषा व्यास जी महाराज ने बताई है, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणाः। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में धर्म की परिभाषा बताई कि धर्म किसे कहते हैं, तो कहा धर्मः प्रोज्झित। ये जो धर्म शब्द है ये बड़ा उलझा हुआ शब्द है, धर्मः प्रोज्झित उलझा हुआ, इसे सुलझाना कठिन है। क्योंकि धर्म क्या है, धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्याएं की गई, सभी लोगों ने धर्म के अलग अलग रूप बताए, अलग अलग अंग बताए, अलग अलग धर्म के विषय में बातें बताई। धर्म क्या है, तो वेद व्यास जी साधारण भाषा में लिखते हैं कि कपट रहित व्यवहार ही धर्म है। जिस दिन आपके मन से आपके भावों से कपट चला जाए, मात्सर्य भाव चला जाए, समझ जाए आप धर्मात्मा हैं, तो कपट रहित व्यवहार ही धर्म है। दूसरे श्लोक में धर्म की परिभाषा, तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत जी की महिमा बताई, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रशिका भुवि भावुका। कहा ये वेद और शास्त्र रूपी एक वृक्ष है भागवत, वेद शास्त्र रूपी एक वृक्ष जिसमें भागवत रूपी गलितम फलम बहुत पका हुआ मीठा फल लगा है। जैसे आम पक जाने पर मीठा होता है, और उसी पके हुए आम में कहीं से कोई तोता आकर के अपनी चोंच मार दे, उसको जूठा कर दे, उसको खा ले,
तो हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि तोते के द्वारा खाया गया फल मीठा होता है। कहा वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये सुखदेव जी रूपी तोते के मुख से निकली है। और जब से इस कथा को एक तोते ने कहा, जब से इस कथा को एक तोते ने कहा है, इसकी मिठास अनंत गुना बढ़ गई। ये कथा मीठी तो है, लेकिन सुखदेव जी के मुख से निकलने के कारण इस कथा की मिठास अनंतानंत गुना बढ़ चुकी है। सुख मुखा दमृत द्रव संयुतम। इसलिए जो बड़े बड़े संत हैं, पिवत भागवतम रसमालयम, इस कथा को एक बार सुनते हैं फिर भी मन नहीं भरता, और बार बार वो इस कथा को सुनना चाहते हैं कि बार बार ये कथा हमें सुनने मिले। तो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में भागवत जी की महिमा का वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं। साथ ही साथ भागवत के प्रथम स्कंध को प्रश्न अध्याय कहा गया, क्योंकि पहले स्कंध में सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न है कि भगवान जीवों का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि हे प्रभु, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार कब लेते हैं और क्यों लेते हैं। फिर चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने इस पृथ्वी पर कितने अवतार लिए। पांचवा प्रश्न किया कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है। और छठवा प्रश्न किया कि धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद को प्रश्न अध्याय कहते हैं। सूत जी से 6 प्रश्न सौनकादिक ऋषि ने किए। तो प्रथम स्कंद के अंतर्गत हम इन 6 प्रश्नों को एक एक करके श्रवण करते हैं। प्रथम स्कंद में ही भगवान के अवतारों का वर्णन है कि इस पृथ्वी पर भगवान के कितने अवतार हुए। देखिए भागवत जी में भगवान के 23 अवतार बताए गए, लेकिन उसी भागवत में श्री वेद व्यास जी महाराज यह भी लिखते हैं, अवताराय शंखेया हरेर सत्व निधेर द्विजा यथा पिता हसिनः कुल्या सरसास्यो सहस्रसा। क्या लिखते हैं उसी भागवत में व्यास जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से एक अगाध सरोवर से कई नदियां निकल जाती हैं, सरोवर कहते हैं तालाब को, एक छोटे से सरोवर से नदियां निकलती हैं, बड़ी बड़ी नदियां। तालाब तो छोटा सा है, तालाब की सीमा है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा बस। तो कहा जिस प्रकार से एक सरोवर से एक तालाब से कई कई सैकड़ों नदियां निकलती हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान भक्तों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर असंख्य रूप धारण करते। मतलब भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। एक तरफ तो 23 अवतारों की गिनती बता दी कि 23 भगवान के अवतार हो चुके हैं, और घोर कलयुग में जब घोर कलयुग आएगा तो भगवान का 24वां अवतार कल्की के नाम से कलयुग में होगा। अब घोर कलयुग कब आएगा, अभी बहुत समय है। अभी ये जो चल रहा है कलयुग है, लेकिन ये कलयुग का प्रथम चरण है। कलयुगे कलि प्रथम चरणे, अभी हम कलयुग के प्रथम चरण में हैं। अभी तो कलयुग शुरू ही हुआ है, बस आगे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है। तो कहा जब घोर कलयुग आएगा उस समय भगवान 24वां अवतार कल्की के नाम से इस पृथ्वी पर
धारण करेंगे। तो भगवान के 23 अवतार हुए। पहला अवतार भगवान ने सनत कुमार आदि ऋषियों के रूप में धारण किया। सा एव प्रथमं देवः कौमारं शरगमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मो ब्रह्मचर्यमखंडितम्। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश समस्त मानव जाति को देने के लिए भगवान ने पहला अवतार सनत कुमार आदि ऋषियों के रूप में धारण किया। दूसरा अवतार भगवान का नारद जी के रूप में हुआ। दूसरा अवतार बराह के सूकर के रूप में। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में। चौथा अवतार भगवान नरनारायण के रूप में। पांचवा अवतार भगवान कपिल के रूप में। छठवा अवतार भगवान दत्तात्रेय के रूप में। सातवा अवतार यज्ञ रूप। आठवा ऋषभदेव। नौवा प्रथु। दसवा मत्स्य। ग्यारहवा कच्छप। बारहवा धन्वंतरी। तेरहवा मोहिनी। चौदहवा नरसिंह। पंद्रहवा वामन। सोलहवा परशुराम। सत्रहवा पराशर व्यास। अठारहवा राम। उन्नीसवा बलराम। बीसवा कृष्ण। इक्कीसवा हंस। बाईसवा हयग्रीव। तेईसवा बुद्ध। ये 23 अवतार भगवान के पृथ्वी पर हो चुके हैं। और कहा कि 24वां अवतार जब घोर कलयुग आएगा तो कल्की के नाम से भगवान धारण करेंगे। इस तरह से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान के 23 अवतारों का वर्णन है।